हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर होम साइंस का चैप्टर शोध एवं सांख्यिकी रिसर्च एंड स्टैटिक्स के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आप इसके पहले का पार्ट 1 और 2 जरूर देख लें, जिससे कि ये सारे क्वेश्चन फिर आपको ईजिली याद हो जाएंगे। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखकर फिर इस वीडियो को देखिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के ये बहुविकल्पीय प्रश्न। और आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट मिलती रहे। बहुविकल्पीय प्रश्न, पहला क्वेश्चन है, वह अनुसंधान जिसमें शोधकर्ता प्राकृतिक घटनाओं को अपने अध्ययन निरीक्षण के द्वारा प्राप्त परिणामों से संबद्ध कर देता है कहलाता है। तो जब प्राकृतिक कोई भी चीज़ है तो वो इसका आंसर क्या होगा, शुद्ध व मूलभूत शोध कहलाता है। तो अगर कोई चीज़ प्राकृतिक है तो वो अपने आप शुद्ध मानी जाती है। कहते हैं ना कि कोई प्राकृतिक चीज़ है उसमें तो कोई मिलावट नहीं होती है, वो शुद्ध होता है। तो इसका आंसर बी है। इस ये याद करने की आपकी ट्रिक है कि आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। सेकंड है, विज्ञान परीक्षात्मक जगत तक पहुंचने की एक पद्धति है जो मनुष्य के अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है, या कथन किसका है। तो यहाँ पर ये कथन किसका है, ये गुडेव हॉट का है। लेकिन आप इसे याद कैसे करेंगे, जैसे मनुष्य जो होता है कोई भी चीज़ अपने अनुभव से जब प्राप्त करता है तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा गुड होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मनुष्य अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से अगर कोई चीज़ प्राप्त करता है तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा गुड या बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इससे ये आपको ईजिली लर्न हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है, जब शोधकर्ता का उद्देश्य उपयोगिता की दृष्टि से किसी व्यवहारिक समस्या का समाधान ढूंढना होता है तो उसे कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, व्यवहारिक समस्या, और यहाँ पर क्या है, व्यवहार, तो सेम जैसा लग रहा है। देखिए यहाँ पर शुद्ध और प्रयोगात्मक से ये मैच नहीं कर रहा वर्ड, तो ये इससे मैच कर रहा है, तो ये आपका कन्फर्म हो जाएगा कि इसका आंसर यही वाला है। लेकिन अगर आपका अप्लाइड रिसर्च निकल के आ गया तब कैसे आप इसको समझेंगे। तो इसकी भी ट्रिक है कि अगर आपके सामने कोई व्यवहारिक समस्या आती है तो आपको उसके लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपकी कोई भी व्यवहारिक समस्या सॉल्व नहीं होगी। तो हमें उसके लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, जो भी हमारी समस्या हो उसके लिए हमें अप्लाई करना चाहिए। ये है अप्लाइड रिसर्च। तो व्यवहारिक व्यवहार शोध को इंग्लिश में अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। और एग्ज़ाम में अगर हिंदी में व्यवहार शोध नहीं आता है, इंग्लिश में आता है अप्लाइड रिसर्च, या इसी को ही ऐसे हिंदी में करके अप्लाइड लिख देते हैं, तो आप इसको ऐसे टैली करा सकते हैं कि व्यवहारिक समस्याओं को अगर हमें समाधान करना है तो उसके लिए हमें अप्लाई करना होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वेक्षण का कौन सा प्रकार नहीं है। तो जो सर्वेक्षण का प्रकार नहीं है वो है भौतिक। तो प्रतिदर्श भी आपको पता ही है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें सैम्पलिंग मेथड होता ही है, संगणना भी यूज़ की जाती है, और या एक मनोवैज्ञानिक सर्वेक्षण होता है, तो ये तीनों होता है। लेकिन ये भौतिक सर्वेक्षण ये नहीं होता है, तो ये तो आपको ईजिली याद हो गया होगा। विस्तृत रूप में किसी विशेष समुदाय के आवास तथा कार्य की को दशाओं के संबंध में तथ्यों का संग्रह करना सर्वेक्षण है, या परिभाषा किसकी है। ये जो परिभाषा है ये है वो गार्ड्स की। तो यहाँ पर इसे हम ऐसे याद करेंगे, जो गार्ड्स होते हैं, जो गार्ड साहब होते हैं, वो गेट पर ही होते हैं और जब सबका सर्वे कर लेते हैं कि हाँ आप किससे मिलने आए हैं, कहाँ से आए हैं, किस बच्चे से आपको मिलना है, जब पूरा सर्वे कर लेते हैं तभी गार्ड्स आपको परमिशन देते हैं कि हाँ आप अंदर जा सकते हैं। तो ये सर्वेक्षण है, तथ्यों का संग्रह करना ही सर्वेक्षण है। तो आप यहाँ पर गार्ड्स याद रखेंगे कि गार्ड्स साहब थे जो कि सर्वे करके ही हमें अंदर जाने की परमिशन देते हैं। तो गार्ड्स, वो गार्ड्स, तो गार्ड्स हैं जो सर्वे कर रहे हैं। 6th क्वेश्चन है, निदर्शन पद्धति का कौन सा गुण है। निदर्शन जो है पद्धति का कौन सा गुण है, थर्टीन क्वेश्चन है, वह मूल्य जो किसी समंक में सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं। तो वह मूल्य जो किसी समंक में सबसे अधिक बार आता है उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। 14 है, ये सबको पता होगा कि कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है, बहुत बार आना। तो ये क्या हो गया, बहुलक हो गया है। सांख्यिकी समंकों में होना अनिवार्य है। सांख्यिकी क्या है, समंकों में होना अनिवार्य है। सजातीय एक रूपता या आपकी हो जाएगी इसमें, तो इसमें का है दोनों, ए और बी दोनों ही होंगे। 15 क्वेश्चन है, प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति से स्कोर का विचलन अर्थात केंद्र से उनकी दूरी क्या है। तो केंद्र से उनकी जो दूरी होती है उसे हम लोग विचलनशीलता कहते हैं।
अगर कोई सामान रखा हुआ है केंद्र में ना रखकर बहुत दूर कोई चीज़ रख दिया जाए तो हम लोग विचलित हो जाएंगे कि पता नहीं हम इसे पा पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे, ये तो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हो गई है। तो जैसे केंद्र से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दूरी पर रख दी गई तो हम विचलित हो गए कि पता नहीं हमें ये मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे सोच के आप इसे इजिली याद कर सकते हैं, विचलन या विचलित हो जाना। 16 क्वेश्चन है, सांख्यिकी निम्नलिखित का अध्ययन करती है। तो सांख्यिकी किसका अध्ययन करती है? तो सांख्यिकी आपकी संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, तो ये आपका इजली आपको याद हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, समंकों का संकलन सांख्यिकी में किया जाता है। तो समंकों का जो संकलन होता है वो सांख्यिकी में किया जाता है, अनुमान के द्वारा भी किया जाता है और गणना के द्वारा भी किया जाता है। तो ए और बी इसके आंसर दोनों ही होंगे। 18 क्वेश्चन है, किसी भी पदमाला की वह संख्या जो पदमाला के आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखे हुए पद का मध्य मूल होता है वो क्या कहलाती है? तो अगर माँ से मध्य मूल है तो माँ से ये माधिका कहलाएगी, ठीक है। मध्य का मतलब ये हो गया कि वो बीच में है। साक्षात्कार विधि की 19 क्वेश्चन है, साक्षात्कार विधि की सीमा है तो व्यक्तिगत भावनाएं, संदेहपूर्ण सूचना व कृत्रिम अंतरों की संभावना उपयुक्त सभी हैं। यहाँ पे साक्षात्कार विधि की सीमा का मतलब है कि लिमिटेशन से, कि आखिर क्यों साक्षात्कार विधि में कौन कौन सी चीज़ें जो बाधा उत्पन्न करती है उसी को लिमिटेशन कहते हैं या सीमा कहते हैं। तो व्यक्तिगत भावनाएं मतलब कोई अगर हम किसी से इंटरव्यू ले रहे हैं, डायरेक्ट पूछ रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, अगर उसका मन नहीं कह रहा उस बात के बारे में सही बताने का, तो हो सकता है कि वो उसे छिपा ले या उसकी भावनाएं जो हैं वो उसके बीच में आ सकती हैं कि ये चीज़ बताए कि ना बताए, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा क्या है? संदेहपूर्ण सूचना, कि हो सकता है कि वो व्यक्ति इतना सही ना हो और कुछ डाउटफुल हो तब भी वो आंसर कह रहा हो कि श्योर है, तो कुछ भी हो सकता है कि वो सही आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो संदेहपूर्ण थोड़ी सूचना हो जाती है उस व्यक्ति की, जिससे हम इंटरव्यू के माध्यम से प्राप्त करते हैं। या कृत्रिम अंतरों की संभावना, कि इसमें कृत्रिम अंतर भी देखने को मिल सकते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ और कह रहा कोई व्यक्ति कुछ और कह रहा, तो दो व्यक्ति की बातों में सेम बात नहीं निकल के आ सकती है सामने। तो ये भी ये सब सारी प्रॉब्लम बता रहा है कि इंटरव्यू मेथड में क्या क्या चीज़ें दिक्कत करती हैं, तो ये सारी ही दिक्कत करती हैं। 20 क्वेश्चन है, सांख्यिकीय शोध का एक महत्वपूर्ण चरण है, तो सांख्यिकीय शोध का जो महत्वपूर्ण चरण है उसे हम लोग कहते हैं समंकों का संग्रहण। समंकों का संग्रहण करना ही यह एक इसका महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि इसमें क्या करा जाता है, जो भी डेटा होता है उसका पूरा अच्छे से कलेक्शन।